स्वागत है आपका स्वच्छता की ओर तीव्रता से बढ़ते एक नए भारत के इस सफर में। कौन जानता था कि वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत अभियान में भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए पूरा देश एकजुट हो जाएगा। इतिहास के पन्नों को यदि पलटें तो हमें पता ही नहीं चला कि जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता ने दुनिया को स्वच्छता और मल प्रवाह पद्धति को सिखाया, वो देश कब खुले में शौच करने वाली विश्व की राजधानी बन गया। हम लोग तो अपने सुबह सुबह निकल जाते थे, एक ही टाइम जाते हैं बस। न जाने कितने लोगों ने खुले में शौच करते हुए अपनी जान गंवा दी। रेलवे में जाते थे, कभी 4 बजे भोर में, कभी 3 बजे भोर में रेल में कट गया, इतना सारा आदमी मर गया इसमें। हर वर्ष कितने मासूम बच्चे अस्वच्छता के कारण अस्पतालों के गलियारे भरते रहे। वी गेट केसेस ऑफ टाइफाइड, वी गेट केसेस लाइक डायरिया व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इशीरिशिया कोलाई। कितनी माताओं बहनों को शौच के लिए बाहर जाने की वजह से कई दुष्परिणामों को झेलना पड़ा, तो कैसे रखी जाती एक अस्वस्थ भारत पर प्रगति और समृद्धता की नींव। इसके महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने एक सुनियोजित योजना स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया। ODF बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अर्बन में उस समय तक कोई भी स्कीम ODF की चालू नहीं हुई थी। पहली बार हमने ODF की स्कीम चालू की। पर हमारे देश की सामाजिक, धार्मिक और मानसिक विविधता देखते हुए कार्य था तो कठिन लेकिन असंभव नहीं। ODF फ्री के लिए हम लोगों ने स्लम एरिया में, मलिन बस्तियों में शौचालय का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ हम लोगों ने घाटों पे भी टॉयलेट्स बनाए हैं, जहाँ पे लोगों के लिए फ्री टॉयलेट की सुविधा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट के भी निर्माण करवाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस मुकाम को पाने के लिए सरकार और हर स्तर के अधिकारियों ने अथाह परिश्रम किया। हम लोग का कार्ड सबका बना हुआ है, हम लोग 50 रुपया महीना देते हैं, पूरे परिवार आके, पूरी फैमिली आके शौचालय बैठे। सबसे पहले था शौचालयों का निर्माण और उनकी निरंतर देखरेख, पर उससे भी बड़ी चुनौती थी उन क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखना। हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मना स्थिति बदलने में बहुत समय लगता। फिर उठाए गए कई अद्वितीय और नवीनतम कदम, जिसका अवलोकन सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से किया गया। इसके लिए हमने कंप्लीट प्रोटोकॉल तैयार किया, जिसमें सिटीजन्स को हमने इन्वॉल्व किया, चाहे स्कूल के बच्चे हों, मार्केट एसोसिएशंस हों, और उन सब से सर्टिफिकेट दिया कि आप ODF मैं आपके यहाँ कोई खुले में शौच नहीं जाए। सरकारी विभागों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियाँ निश्चित की गई। जन जन को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों और नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रबल किया गया। शौचालय नहीं, वो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। कुछ नियम भी बनाए गए जिनके तहत खुले में शौच करने वालों पर पाबंदी लगाई जा सके। शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता इस परियोजना का एक मुख्य कदम था, ताकि अगली पीढ़ी को इस बदलाव के लिए तैयार किया जा सके। यहाँ पे स्वच्छता के लगती बहुत सारी एक्टिविटीज हम कराते हैं, टॉयलेट का यूज करना का सिखाते हैं, इसके लिए हम को चॉकलेट थ्रू हम प्रोत्साहित करते हैं। शौचालयों के निर्माण, उनकी गुणवत्ता और बाद में उनका प्रयोग योग्य होने का परीक्षण निरपेक्ष रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट द्वारा विशेष पद्धति तथा जियो टैगिंग इस्तेमाल करके प्रमाणित किया गया। The case of Swachh Bharat also, technology played a very critical role in allowing the speed at which Swachh Bharat was rolled out and in the execution. Because of technology, we can actually have a database of all 20 crore toilets that have been built. परिणाम स्वरूप सितंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार आज लगभग 90% शहर खुले में शौच मुक्त प्रमाणित हो चुके हैं। इन नवीनतम सुविधाओं से लैस शौचालयों से संबंधित जानकारी या शिकायत अब एक मोबाइल ऐप द्वारा की जा सकती है। सारी टॉयलेट्स को गूगल पर ही डाल दिए, टॉयलेट जाने के लिए भी गूगल मैप पर। आज खुले में शौच करने से संबंधित बीमारियां लगभग नाके बराबर हैं। बच्चों की कराहट की जगह हैं
उनकी किलकारियां। महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है। सबसे ज्यादा लाभ ODF का शायद महिलाओं को, पब्लिक की प्रतिभागिता इसमें इतनी ज्यादा रही, जहां पे लोगों ने अपने ऊपर ये दायित्व लिया कि हम किसी को खुले में शौच नहीं करते। आज हमारे देश में इस सकारात्मक बदलाव से स्वच्छता सिर्फ एक जरूरत ही नहीं बल्कि आदत बन रही है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। गांधी जी के इन्हीं प्रभावशाली शब्दों को क्यों ना हम अपनी हर प्रार्थना में जोड़ लें और अग्रसर हों एक उन्नत, समृद्ध और स्वस्थ भारत की ओर।